तो अपने पिक को इस सबसे पहले स्नैपसीड ऐप में शेयर कर लेना है, ठीक ना मेरे भाई। तो यहाँ पर नीचे टूल्स का ऑप्शन देगा, तो टूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टूल इमेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो टूल इमेज पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे, एम्बियंस को कुछ बढ़ा लेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। एम्बियंस को बढ़ाने के बाद हाईलाइट को कम, थोड़ा सा हाईलाइट को कम कर देंगे, शेडोज को बढ़ा कर तो डन कर देंगे। डन करने के बाद मेरे भाई फिर टूल्स पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सेलेक्टेड टू टूल्स ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना मेरे भाई। फेस गोरा करने के लिए तो कुछ इस प्रकार से हम फेस को वाइट कर लेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। इतना करने के बाद हम सिंपल से अपने पिक को लाइट रूम ऐप में शेयर कर लेंगे। तो लाइट रूम ऐप में आने के बाद मेरे भाई तो यहाँ पर देखेंगे लाइट का ऑप्शन दिया है, ठीक है ना मेरे भाई। तो लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हल्का से स्पॉट को बढ़ा लेंगे, कॉन्ट्रास्ट को कम कर देंगे, हाईलाइट को कम कर देंगे। यहाँ पर नीचे देखेंगे ब्लैक का ऑप्शन दिया, ब्लैक को करने का ब्राइटनेस को हल्का से बढ़ा लेंगे, शेडोज को कम कर देंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो बगल में देखेंगे कलर वाला ऑप्शन दिया है, तो कलर वाला मिक्स पर क्लिक करने के बाद हल्का से इसको बढ़ा लेंगे उसको। तो सिंपल से सेकंड नंबर पर आने के बाद हम फेस को कुछ इस प्रकार से वाइट कर लेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो उसके बाद सेकंड सारा हम इसको ब्लैक ब्लैक कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। हल्का से इसको कम कर देंगे, इसको भी हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना मेरे भाई, या ब्लैक कर देंगे। इतना करने के बाद मेरे भाई फिर से हम चलेंगे अपने पिक को शेयर कर लेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो इतना करने के बाद अभी हम अपने पिक को शेयर कर लेंगे टूल विज ऐप में, ठीक है ना मेरे भाई। टूल विज ऐप में हम शेयर कर लेते हैं अपने पिक को। तो टूल बीज में आने के बाद यहाँ पर भाई एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सॉफ्ट पर क्लिक करेंगे, तो सॉफ्ट पर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ पर जाएंगे, वी आई करके कुछ लिखा रहेगा, ठीक है ना मेरे भाई। इसमें जाने के बाद देखेंगे कुछ हम लोग का इस प्रकार, तो यहाँ पर देखेंगे मैक्स का ऑप्शन दिया है। इसके बाद यहाँ पर कैंसिल पर दाबेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन दिया है, तो कैंसिल पर क्लिक करने बाद, ठीक है ना मेरे भाई, हल्का से जूम करने के बाद कुछ इस प्रकार से हम हेयर स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। आप लोग कुछ इस प्रकार से हेयर स्मूथ कर लीजिएगा, देख सकते कि, ठीक है ना मेरे भाई। तो हेयर स्मूथ हो चुका है। इतना करने बाद हम सिंपली से अपने पिक को हम सब शेयर कर लेंगे ऑटोडेस्क ऐप में फेस स्मूथ करने के लिए, ठीक है ना मेरे भाई। तो ऑटोडेस्क में आने के बाद मेरे भाई तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे एक ऑप्शन दिया है, तो उस ऑप्शन पर क्लिक करने बाद तो कुछ इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो हम लोग को इस वाले ब्रश को चूज़ करना है फेस स्मूथ के लिए, ठीक है ना मेरे भाई। तो सिंपली से हम लोग कुछ इस प्रकार से फेस को जूम कर लेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। जूम करने बाद कुछ इस प्रकार से हम फेस को स्मूथ करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा तब आपको समझ आएगा फेस गोरा फेस स्मूथ कैसे किया जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम लोग फेस स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना मेरे भाई, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। इसी तरह का मैं फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल हरदम डालता हूँ, तो वीडियो में तक बने रहिएगा तब आपको समझ आएगा। आप लोग कुछ इस प्रकार से फेस स्मूथ कर लीजिएगा, तो जल्दी से हम फेस स्मूथ कर ले। तो सिंपली गाइस मैं फेस स्मूथ कर लिया हूँ, ठीक है ना मेरे भाई। तो थोड़ा सा अब थोड़ा सा हेयर कलर करने के लिए हम अपने पिक्सआर्ट ऐप में चलेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। पिक्सआर्ट ऐप में मैं शेयर कर लेता हूँ अपने पिक को। तो पिक्सआर्ट में आने के बाद मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे इफेक्ट का ऑप्शन दिया है, ठीक है ना मेरे भाई।
तो इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एफ सी टी का ऑप्शन दिया था, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ पर फैक्ट वन का ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ऊपर ब्रश का ऑप्शन दिया है, ठीक है ना मेरे भाई। तो ब्रश पर क्लिक करने के बाद इंटर्न पर क्लिक करेंगे, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हम कुछ इस प्रकार से ब्रश को चला लेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। देख सकते हैं कितना अच्छा हेयर हम लोग का दिख रहा है। ठीक है नंबर भाई, यहाँ और अपने कपड़ों पर चला लेंगे इस प्रकार से, ठीक है नंबर भाई। इसका हम डन कर देंगे अपने फोटो को। तो हम ब्यूटी वाला ऑप्शन पर जाएंगे, ब्यूटी वाला ऑप्शन पर हेयर कलर पर क्लिक करेंगे, ठीक है नंबर भाई। देख सकते हैं हम लोग का हेयर ऑटोमेटिक कलर हो गया, तो हम हेयर कलर नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर जाएंगे थोड़ा सा करने वाले, तो यहाँ पर ब्रश वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो सिंपल से गए हम यहाँ ऊपर तीर वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो ऑटोमेटिक हम लोग का कलर हट जाएगा। उसके बाद हम आके यहाँ ब्रश वाला ऑप्शन पर लिप को ऐसे कुछ इस प्रकार से हम कलर कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। इतना करने बाद फोटो को हम डन कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। इतना करने बाद हम उसके बाद अपने पिक को, तो आई होप कि आप बहुत ही अच्छा से समझ गए होंगे फेस गोरा कैसे किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो जब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।